नमस्कार। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। 11 सवालों पर किया जा रहा है यह सर्वे और कुछ सवाल मदरसों को चुभ रहे हैं। वहीं नेपाल से लगती उत्तर प्रदेश की सीमा में कुछ ऐसे मदरसे भी हैं जिनके बारे में नई जानकारी ये मिली है कि वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। सच्चाई क्या है ये जानने के लिए आज तक ने बस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों के मदरसों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। आज तक संवाददाता संतोष कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो नेपाल बॉर्डर पर बने सैकड़ों मदरसों में हलचल तेज हो गई। दरअसल यूपी के बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर में बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। क्या है इनकी स्थिति और क्या यहाँ कट्टरपंथी शिक्षा दी जा रही है, यही जानने के लिए आज तक संवाददाता संतोष कुमार नेपाल बॉर्डर पहुँचे। हम इस समय पर मौजूद है इंडो नेपाल बॉर्डर में, बहराइच जिले के रुपेडिया बॉर्डर पर। ये रुपेडिया बॉर्डर है जहाँ पर ये गेट जो आप देख रहे हैं ये नेपाल बॉर्डर है, उसके बाद से नेपाल शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का साथ है और शायद यही वजह है कि यहाँ के आने जाने के लिए चाहे नेपाल के लोग यहाँ बहराइच में बाजार करने आते हैं, खरीदारी करने आते हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो भी भंसार यानी कि यहाँ का टैक्स पे करने के बाद वो यहाँ पर जाते हैं। बाकायदा एक कोई बॉर्डर ऐसा बंद नहीं है नेपाल से, और यही वजह है कि नेपाल के बॉर्डर पर जो मदरसों को लेकर के जो इलाके हैं बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, वो अति संवेदनशील हो जाते हैं। खुफिया एजेंसियों ने खबर दी थी कि नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से ही इस बार सर्वे इन इलाकों में खास तौर पर सख्ती से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे का काम शुरू किया है तो हम भी निकले हैं मदरसों का हाल जानने के लिए। तो हमने आज हम पहुंचे हैं बहराइच के उस नेपाल बॉर्डर के रुपेडिहा इलाके में, जहां पर यहां से करीब 1 किलोमीटर के दायरे पे नो मैन्स लैंड है, यानी कि यहां से नेपाल शुरू हो जाता है। ये हिंदुस्तान का अगर कहा जाए कि ये वो इलाका है जिसके बाद से नेपाल शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान का आखिरी। हम ये रंजीत बोझा गांव है बहराइच का, मदरसा इस्लामिया गौसुल उलूम, ये एक मदरसा है जहां पर बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। हम भी आइए जानते हैं कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। आइए, मदरसे में पढ़ाई चल रही है, बच्चे हैं, बच्चों के हाथ में ये उर्दू में लिखी हुई किताबें हैं, पढ़ाई इनके पास, लेकिन अंग्रेजी की किताबें भी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा यूसुफ, ये क्या पढ़ रहे हो? ये अभी क्या पढ़ रहे थे? उर्दू का किताब। उर्दू के अलावा भी और कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर? क्या क्या पढ़ाया जाता? इंग्लिश, हिंदी, गणित। अच्छा, तो हिंदी, इंग्लिश, गणित की किताबें हैं जी। दिखाओ, इंग्लिश में क्या क्या आता है? गिनती आती है। सुनाओ। 1, 2, 3, 4। ये तो हिंदी में हो गई। और नहीं आती। और इंग्लिश में क्या आता है? ABCD आती है? सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQR S T W U V W X Y Z। यहाँ से हम एक और मदरसे में पहुँचे। ये मदरसा महज 15,000 रुपए में चलता है। ये पैसा भी गांव के लोग ही आपस में इकट्ठा कर मदरसे को देते हैं। हम बहराइच के रुपेडिहा इलाके में एक दूसरे मदरसे में भी आए हैं, यहाँ पर भी अभी क्लासेस ही चल रही हैं। उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि क्या नाम है, क्या है मदरसा, क्या नाम है इसका आपके? मदरसा जामिया कासमिया नासरुल उलूम। अच्छा, मानता है? मान्यता है? स्टेशन है, मानता तो नहीं, रजिस्ट्रेशन है सर। फंड मिलता है सर? नहीं, सरकार से कोई फंड नहीं है इसमें। तो कैसे खर्च चलता है? बस ये 100 रुपया रोज, ये सब घर वाले जो देते हैं
सौ डेढ़ सौ घर है उसमें 100 रुपया डेली मतलब रोज महीने का 100 रुपया मिलता है उसी से चलता है। तो कितने घर हैं इधर? 150 घर हैं। 150 घर से 100 रुपए महीना यानी 15,000 रुपए आप ले लेते हैं? महीना आता है जी जी। 15,000 रुपए में ये मदरसा चल जाता है? जी 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 सर। कोई कहे बच्चे लोग सब यहीं के हैं, घर खाना वाना सब अपने घर पे खाते हैं, इसमें कोई खाने वाने का कोई प्रोग्राम। कितने बच्चे पढ़ाते? लगभग 70-80 बच्चे हैं। 70-80 बच्चे हैं यहाँ पर? जी जी। मदरसे के उस्ताद ने माना कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है, हालांकि एक दो सवाल के बाद वो जोर देकर कहने लगे कि दूसरे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। ये बताइए इन बच्चों को कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं आप? कि सिर्फ उर्दू अरबी ही पढ़ाते हैं या कुरान का ही ज्ञान देते हैं, मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं? उर्दू अरबी कुरान भी पढ़ाई जाती है। हाँ। बाकी हिंदी गणित ये सब विषय नहीं? सब कोई आते पढ़ते हैं, जिसको पढ़ना अगर होता है तो वो पढ़ते हैं, आते हैं तो उनको पढ़ा दिया जाता है। हाँ नहीं, वो भी बच्चे आते हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। हाँ कुछ बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं। ये बच्चे अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाए जा रहे हैं? ये उर्दू पढ़ रहे हैं, बाकी सुबह के टाइम में जो आते हैं उसमें कुछ बच्चे हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं, उनको भी पढ़ाया जाता है। बहराइच के रूपे डीहा का ये मदरसा नेपाल बॉर्डर के बेहद करीब है। ये उस जगह पर हम खड़े हैं जहां से करीब 1 किलोमीटर के दूरी पर ही नेपाल लग जाता है, यानी नो मैन्स लैंड है, बॉर्डर है। और ये बहराइच के रूपे डीहा बॉर्डर का एक मदरसा है जिसका सूरत हाल हमने आपको दिखाया। आज तक की पड़ताल में ये बात सामने आई कि नेपाल बॉर्डर पर सरकारी और गैर सरकारी कई मदरसे हैं, लेकिन भारत से ज्यादा मदरसे नेपाल में हैं। भारत की तरह पढ़ने वाले मदरसों में ज्यादातर धार्मिक शिक्षा दी जाती है और इनकी हालत भी बेहद खस्ता है। संतोष कुमार, बहराइच, आज तक। तो आपने उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर के मदरसों का हाल देखा, अब हम आपको काशी लिए चलते हैं। वाराणसी में एक मदरसा दिखाते हैं। वैसे तो ये मदरसा सरकारी मदद से चलता है, लेकिन बच्चों की शिक्षा का स्तर यहां क्या है? आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है, उनमें से कई की हालत बेहद खस्ता है। दूसरी तरफ सरकार से सहायता प्राप्त मदरसों में कमोबेश स्थिति ठीक ठाक है। वाराणसी के ऐसे ही एक मदरसे में पहुंचे हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। सरकार की तरफ से लगातार अवैध मदरसों को लेकर बात चल रही है कि कैसे उन पर रोक लगाई जाए, पर जो मुख्य धारा में मदरसे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास चल रहे हैं। ऐसे ही मदरसे हम यहाँ पर आए हैं, आपको वाराणसी में दिखाएंगे। ये लोता इलाका है और ये मदरसा फैजुल उलूम है। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या इंतजाम हैं बच्चों के लिए और क्या बच्चों की तालीम, पढ़ाई यहाँ पर ठीक चलती है या नहीं। तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। ये वो मदरसा है, आप हमारे साथ कैमरामैन संदीप आ रहे हैं और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं इस मदरसे के अंदर और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम टीचर्स हैं। यहाँ पर ये देखते हैं, ये जरा देखिए, यहाँ पर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये इन्होंने यहाँ पर चीज़ें लिखी, जो मेन पॉइंटर्स होते हैं वो लिखे हुए हैं। आप इधर आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर एक टाइम टेबल लगा है जिसमें उर्दू में लिखा है थियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, यानी कि जो भी जो जो क्लासेस होती हैं वो यहाँ पर चलती हैं। तो यहाँ पर एक तरह से व्याख्या दी गई है, बच्चों के लिए आसानी रहेगी, वो टाइम टेबल देख के अपने हिसाब से आ पाएं। और ये जो मुझे प्रतीत होती है एक लाइब्रेरी लगती है, जहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए किताबें रखी हैं कि वो यहाँ पर आकर पढ़ाई देख सकते हैं। इसके अलावा दाखिला, यानी कि जब आपका किसी मदरसे में दाखिला होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उसकी भी यहाँ पे आप देखेंगे। दाखिले के लिए निम्न दस्तावेज़, बच्चों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, एक फ़ोटो, मोबाइल नंबर, लड़के या अभिभावक का बैंक पास, पासबुक का फोटोकॉपी, या यदि किसी दूसरे मदरसे या स्कूल में पढ़े हैं तो उसका TC, तो ये सारी चीज़ें आपको एडमिशन के लिए चाहिए होती हैं, जो यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है कि अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हैं। और अब आपको मैं ले चलूंगा क्लासेस की तरफ। जो अगर आप इधर देखें, यहाँ पर एक टीचर हैं जो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हैं। क्लास का नाम लिखा है बाहर, भाग संख्या लिखी है और तमाम बच्चे छोटे छोटे जो हैं यहाँ पर वो यहाँ इस मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मदरसे पर आरोप लगता है कि यहाँ सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाई जा रही है। सर क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आज, शेप्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जी हाँ, बच्चों को जो है शेप्स के बारे में बता रहे हैं, आयत, वर्ग, स्क्वायर,
ये सारी चीजें बता रहे हैं, बच्चे भी ध्यान से पढ़ते हैं। कौन कौन से पीरियड्स लगते हैं, क्लासेस कौन कौन से लगते हैं सब्जेक्ट्स के इस क्लास में? सब्जेक्ट्स ओवरऑल कितने लगते होंगे? इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है और उर्दू है और डिक्टेशन वगैरह है। बच्चों को सबसे ज्यादा मजा कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में आता है? सबसे ज्यादा सभी बच्चे पढ़ते हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश भी पढ़ते हैं बड़े शौक से और मैथ तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं अच्छे से। हाँ हाँ, मैथ्स पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई हो रही है आज? इंग्लिश। पढ़ाई क्या लिखा है आपने? इंग्लिश। ये सर्किल है, सर्किल क्या होता है? इंग्लिश। ये स्क्वायर क्या होता है? क्या लिख रहे हैं आप? क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? रेक्टेंगल। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नेशनल एंथम आता है आपको? नहीं आता है, थोड़ा सा भी नहीं आता। जनगण मन आता है? जनगण मन आता है, सुनाइए। नहीं आता। नहीं आता आपको जनगण मन आता है? नहीं आता है। यहाँ सिखाया नहीं क्या? यहाँ सिखाया नहीं क्या? लेकिन अभी दम थोड़ा याद है। टीचर चाहे जो भी दावे करे, हकीकत आपके सामने है। क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ? सारे सब्जेक्ट जो भी बोर्ड से निर्धारित सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सारे सब्जेक्ट ऑल टू ऑल जो भी बोर्ड से निर्धारित है सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। क्या रजिस्टर्ड है मदरसा आपका? कितना पुराना मदरसा है? 1940 में इसकी नींव रखी गई थी और 79 और 80 में इसकी मान्यता मिली है। 1996 सरकार से अनुदानित हुई है। सैलरी आप लोगों को मिलती है? जी, सरकार से सैलरी मिलती है। आप क्योंकि अभी आपने सुना होगा मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो रही है, शायद आप लोग का बजट भी बढ़े आने वाले वक्त में, तो क्या चाहते हैं कि आप लोग को और मिले जिससे कि बच्चों की पढ़ाई और बेहतर हो सके? हम लोग ये चाहते हैं जैसे सरकार सिर्फ टीचर की सैलरी देती है तो कुछ ना कुछ ऐसी सुविधाएं दे जिससे कि बिल्डिंग का विकल्प हो और जो भी जरूरियात हो, सिर्फ जो बच्चों यहाँ टीचर को मिलती है सरकार की तरफ से वो बच्चों को वजीफा मिलता है, ड्रेस मिलता है और सैलरी मिलती है, लेकिन ये भी केवल मान्यता प्राप्त सरकारी मदरसों में मिलता है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में क्या इस तरह की इमदाद या मदद मिलेगी, ये बड़ा प्रश्न है। संभवतः इसीलिए यह सर्वे हो भी रहा है। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।